अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये जो है ना औरंगाबाद के कुछ वीडियोस मेरे पास पड़े हुए थे, उसके क्लिप्स, तो मैं सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। ये औरंगाबाद का हम लोग का छोटा सा ट्रिप था, सेकंड टाइम हम लोग गए थे, तो हम लोगों ने कुछ ज़्यादा इतना वहाँ पे घूमे नहीं थे, जो घूमी हुई जगह थी और अजंता एलोरा नहीं गए थे हम लोग। और ये जो ये पंचक्की का वीडियो है, वो जो मैंने अपने ट्री देखा ना, वो 600 ईयर्स ओल्ड का ट्री है वो। और मैं पंचक्की आपको बताती हूँ, नीचे का भाग था उसका, लेकिन उसकी आवाज़ बहुत डेंजर आ रही थी, तो मैं उस साइड गई नहीं। घूम रही हो कंटिन्यू, वो चालू ही है, वो 250 साल से चालू है पंचक्की। देखिए इस तरीके से घूमते रहती है। और उस ज़माने में यहाँ पर लंगर चालू था और ये पानी की मदद से चलती है, बहुत सालों से चल रही है वो कंटिन्यू। और ये जो है ये बीबी का मकबरा है, औरंगज़ेब के बड़े बेटे ने अपनी अम्मी जान की याद में बनवाया था बीबी का मकबरा, कहते हैं इसे। सेम ताजमहल की तरह दिखता है, लोग इसे छोटा ताजमहल भी कहते हैं। और ये जो इसके सामने का हिस्सा है, सामने का हिस्सा और पीछे का हिस्सा दोनों भी सेम है, एकदम सेम टू सेम। ये देखिए इस तरीके से वहाँ पर अंदर ये जो ऊपर का हिस्सा है, ये एक्चुअली पीछे का साइड का भाग है। और इस तरीके से वहाँ पर नक्काशी बनी हुई थी मार्बल्स पे, तो मैंने वीडियो बना लिया। एक्चुअली मैंने कुछ ऐसे प्रॉपर वहाँ पे व्लॉगिंग नहीं करी थी। अगर आपको औरंगाबाद देखना है तो मुझे कमेंट करके बताइए, हम लोग फिर से। इतनी अच्छी वहाँ सिटी है ना औरंगाबाद, बहुत क्लाइमेट वहाँ का अच्छा है। देखिए बीबी के मकबरे के अंदर का भाग है, इस तरीके से लोग वहाँ पर कुछ ना कुछ डाल देते हैं, पैसे, जो भी उनकी मन्नत हो या कुछ भी, सोना है, घड़ी है, वैसे लोग डाल देते हैं। इस तरीके से वहाँ नीचे उतर कर जाते हैं, फिर वो पूरा एक साल में एक बार कलेक्ट कर कर फिर वहाँ के लोग, वहाँ के जो मुंतजिम हैं, वहाँ जो इनके जो खादिम बोलते हैं ना, वो लोग ले लेते हैं। इस तरीके से अंदर का हिस्सा था ये, और ये उनका मकबरा है। और ये जो है ये देखिए कितना अच्छा क्लाइमेट है, कितना अच्छा लग रहा है ये, इतना अच्छा लगता है ना वहाँ पे। गार्डन से इतने बड़े बड़े, और ये देखिए इस तरीके से ये अंदर का, अंदर जाने का गेट है ये बाहर, यहाँ पर चप्पल निकाल कर जाते हैं। ये पीछे का भाग है, ये जो है ना पीछे दिख रहा है, ये ना म्यूजियम है, एक्चुअली वो बंद हो गया था म्यूजियम। ये देखिए ये पीछे का भाग भी सेम बिल्कुल वैसा दिख रहा है जैसे आगे का भाग है, वो हो गया ब्लॉग। अब ये जो है ये दौलताबाद का जो किला है ना, उसका है ये फोटोज। किले के ऊपर मैंने वीडियोस नहीं निकाली थी, बहुत ऊंचा था, हम लोग थक गए थे, तो मैंने वहाँ कोई रिकॉर्डिंग नहीं करी थी। और ये जो है औरंगाबाद की, सॉरी औरंगज़ेब की मज़ार है, ये जो है ये मस्जिद है सामने, और अंदर उधर वो साइड जाएंगे तो उनकी मज़ार है, और उनकी मज़ार के साथ ही उनके जो पीर है ना, पीर साहब, 22 ख्वाजा बोलते हैं उनको, उनकी मज़ार है, 22 ख्वाजा की मज़ार के ही बगल। उन्होंने उनकी ख्वाहिश थी कि मेरे जो मुर्शिद है उनके, उन्हीं के पास मुझे दफनाया जाए। तो ये जो है रास्ता जाने का अंदर की साइड, यहाँ पर चप्पल रिमूव करते हैं और फिर अंदर जाते हैं, तो इस तरीके से है रास्ता। ये देखिए अंदर जाने का, ये देखिए मकबरा, शहनशाह हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर। बहुत ही अच्छी सिटी है ये औरंगाबाद, बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर। और होटल्स भी रीज़नेबल रेट पर है, और बहुत ही खाना भी बहुत अच्छा टेस्टी है यहाँ का। ये देखिए इस तरीके से उन्होंने अपनी आखिरी, उनकी ख्वाहिश थी कि मेरी जो मज़ार है उसे उसके ऊपर कोई गुंबद वगैरह नहीं बनाया जाए, और जो उनके जो उन्होंने जो पैसा कमाया था 14 आना, उसी में उनकी मज़ार को जो है बनाया जाए, इस तरीके से है। तो बाद में जो है ना कोई हैदराबाद के निज़ाम थे, उन्होंने यहाँ पर ये सब संगमरमर का जो है ना, ये मार्बल का वैसे जालियाँ उनके मज़ार के साइड में बनाई बाद में, क्योंकि वो लकड़ी थी आजू बाजू लगी हुई, बहुत ही ख़राब हो गया था वो, तो फिर उन्होंने इस तरीके से उनकी मज़ार को बनवाया था। और ये जो ये जो खड़े हैं ना, ये जो आदमी जो खड़े हैं ना यहाँ पे, पिंक शर्ट दिख रहा था वहाँ पे, तो वो सब एक्सप्लेन कर रहे थे कि किस तरीके से वो उनका इंतकाल हुआ और किस तरीके से उन्होंने मज़ार बनाने के लिए बोले थे। तो
और लोग हर रिलीजन के लोग, हर हर रिलीजन के लोग आते हैं यहाँ पर। देख ये देखिए, वो साइड में पेटी रखी हुई है वहाँ पे, और वो इशारा कर रहे हैं कि अगर आपके जितना हो सके उतना आप मदद कीजिए, हम लोग यहाँ पर वो करते हैं, उरुस वगैरह होता है यहाँ पर, वो सब एक्सप्लेन कर रहे थे। ये देखिए, और ये देखिए औरंगज़ेब के बारे में, और ये जो है 22 ख्वाजा, जो उनका शिजरा मुबारक है, और ये 22 ख्वाजा की दरगाह थी। और उसके बाद जो औरंगज़ेब की मुंह बोली बेटी है, उनकी मज़ार, और उनके बड़े बेटे की मज़ार, और उनकी बड़ी बहू की मज़ार है साइड में। ये जो है ये नहीं है साइड में, जब जो जालियाँ लगी हुई नहीं, ये जालियाँ उसके अंदर है। और उनके बड़े बेटे और उनकी बड़ी बहू की मज़ार साइड में, ये साथ में ही है। और ये देखिए इनकी मुंह बोली बेटी की मज़ार है। और यहाँ पर कुछ मन्नत करके कुछ चूड़ियाँ वगैरह लगाते हैं ये दरवाजे पे, तो जिसको बच्चा नहीं होता है ना, उन और बे औलादों के लिए, ये देखिए इस तरीके से चूड़ियाँ लगी हुई है। और यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर रहे थे वो हजरत, ये देखिए एक्सप्लेन कर रहे थे ये सब किस तरीके से। औरंगज़ेब के बड़े बेटे और बड़ी बहू उनके साथ रुक गए थे, छोटे बेटे जो है दिल्ली चले गए थे राजधानी संभालने के लिए। और इसी तरीके से हमारा छोटा सा ट्रिप था, हम लोग पहले भी जा चुके थे एक्चुअली, वहाँ पे अजंता एलोरा भी है ना औरंगाबाद में, तो वहाँ भी हम लोग पहले जा चुके थे, तो हम लोग ये बार नहीं गए। और फिर उसके बाद हम लोग छोटा सा ट्रिप करके, ये अक्टूबर के वीडियोज़ है, अक्टूबर दिवाली की छुट्टियों के एक्चुअली, तो मेरे पास थोड़े पड़े थे तो मैं सोचा आपके साथ शेयर करूँ। औरंगाबाद आप ज़रूर जाइए, एक लाइफ में एक बार तो ज़रूर जाइए, बहुत ही अच्छी सिटी है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए बाहर का रास्ता, ये औरंगज़ेब की मज़ार के बाहर का रास्ता। और अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए मुझे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए।